बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात दूध देकर लौट रही 16 वर्षीय 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताते चले कि गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के मकान पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची साहेबगंज पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताते चले कि मेडिकल कराने के लिए पुलिस किशोरी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। मामले में पीड़िता की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची रात को चाचा के घर दूध देकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का धनंजय घात लाकर बैठा था और उसके साथ दो अन्य साथी भी थे। किशोरी के लौटने के दौरान उन्होंने उसे पकड़ लिया, फिर गोद में उठाकर एक खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दो अन्य युवक खेत के समीप खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे ताकि कोई देख न ले। काफी देर होने के बाद पुत्री जब घर नहीं लौटी तो घर के लोग ढूंढने के लिए निकले। इसी दौरान लोगों को आता देख आरोपी व उसके साथी मौके से फरार हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर से संवाददाता पंकज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरे लड़के दूध देने गए थे अपना पुरनका घरारी, वहाँ पर से दूध देकर सबको लेकर चले आए बाल्टी लेकर। मेरा लड़की रास्ते में भिटक गया, धनजय का किया से उस लड़की को गोद में उठा लिया, उठा कर कद्दू का खेत में लेकर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद मेरा लड़की वे को उठा खुशबू और खोजने लगा से। मैं अपना बहन मेरा लेट हो गया, अभी तक ले नहीं पहुंचा है, तो फिर भी अपना बहन को लेकर ये तले वो देखा मेरे आवाज़ मेरे लड़की को, तो का करा उठकर वो साइड हो गया। तब मेरा लड़की उठकर आया तो ये बोला से मेरे लिए धनजय मुझको उठाकर गोदी में और उनका चिंतुतोंठ और लड़का था साथ में मुझको लेकर आज जाकर मुझे इज्जत लूट रहा है। अब मुझे साथ और भी लड़का था। हाँ, और गलत किया है वो भी साथ में था, वो गलत अलग साइड से देख रहा था आदमी को, इंसान वीडियो भी बनाया था जी? नहीं वीडियो नहीं, कोई रात था 7 बजे के बाद। कल की बात है जी, शाम को और उसका बाद ले आया मेरा इसका बहन ने खोजने गया। बस उस घर का परिवार पूरा संबंध 4 पट्टी है उसी में 5 पट्टी वो सब लोग उठकर मारने लगा। अच्छा, ये जो आरोपी है धनंजय जी, धनंजय नाम है ना? हाँ। कहाँ का है वो? हिमते पट्टी का है, गांव का है जी। मैं यही करवाई कर नहीं चेकिंग, यहाँ से पुलिस पुलिस मेरे दरवाजा पर गए तो भाग गया है। क्या न्याय चाहती है जी? उसका बलात् फांसी का फांदा चाहते हैं मैं करने के लिए। न्याय हो ना जी? माँ है लड़की की जी, मैं क्या कब तक ले बर्दाश्त करूँगा, एक बे करूँगा दो बे करूँगा। बेटी है मेरी 16 साल का होगा मेरा लड़की। पढ़ती है जी? पढ़ती है, बाकी अभी तक कौन क्लास में? अभी नाम लिखा है 9th में।